क्या होगा जब एक साथ सभी सरकारी योजनाएं एक ही जगह धरातल पर उतर जाए और उन योजनाओं में उस क्षेत्र का या उस जगह का विकास करने को लेकर के नूरा कुश्ती शुरू हो जाए। नमस्कार, मैं सुमन सौरभ हूं और आप भारत लाइव देख रहे हैं। खबर जो है बिहार के मधुबनी ज़िले के झंझारपुर अनुमंडल का है, जहां ललित नारायण जनता महाविद्यालय स्थित है। उस क्षेत्र में, उस विद्यालय पे आपको सबसे पहले अगर बात करें बिहार सरकार की बहुप्रतीक्षित हर घर नल योजना, उसका जो पूरा उदाहरण है, सटीक उदाहरण आपको उस विद्यालय पे मिल जाएगा। आपको जल तो मिल जाएगी लेकिन नल नहीं मिलेगा। क्या है ना कि बिहार में लॉकडाउन की स्थिति है, तो 4 महीने से जो नल जो है, उस विद्यालय के जो कक्ष हैं, उस विद्यालय के जो घर हैं, उसके अंदर नल बंद है। लेकिन जल को भाई कौन बांध सका है, इसलिए जल जो है आपको पूरे महाविद्यालय परिसर में फैला हुआ नज़र आएगा। तो एक तो ये बात हुई, लेकिन अगर दूसरी योजना की अगर आप बात करें, तो जो एक पॉजिटिव योजना है, जो बिहार सरकार जो अच्छा काम कर रही है, अगर हम उसकी बात करें, तो दिल्ली सरकार हमेशा से अपने प्रचारों में जो वहाँ के जो सरकारी स्कूल हैं दिल्ली के, उसमें दिखाते हैं कि दिल्ली के सरकारी स्कूलों में स्विमिंग पूल की व्यवस्था है, और इससे बिहार सरकार ने कंपटीशन शायद ले लिया है। इस बात को लेकर के बिहार सरकार ने ललित नारायण जनता महाविद्यालय है, वहाँ पे जो है आपको स्विमिंग पूल की भी व्यवस्था की है, ताकि लॉकडाउन के बाद जब भी विद्यार्थी आए तो आराम से वहाँ स्विमिंग सीख सके, और सरकार इस बात पे भी अपनी पीठ ठोक सके कि हम जो हैं बिहार के भी सरकारी स्कूलों में स्विमिंग पूल की व्यवस्था कर रहे हैं। और तीसरी जो बात आई है, अभी इसके लिए ट्रायल के लिए आपको इंटरमीडिएट में छात्रों का नामांकन शुरू हो गया है, तो ऐसे वक्त में जो भी वहां छात्र पहुंच रहे हैं स्विमिंग की प्रैक्टिस ज़रूर कर रहे हैं। तीसरी जो अगर बात करें, जो जिस सरकार ने एक रोज़गार का भी साधन दिया है, ताकि इस बार जो है जो भी बच्चे इंटरमीडिएट में एडमिशन ले, वो वहाँ मछली पालन, और अगर आप कहें तालाब में जिस तरह की जो होता है मछली पालन, मखाना पालन, मिथिलांचल का क्षेत्र है, मखाना वहाँ का धरोहर रहा है, तो मछली पालन, मखाना पालन और मखाना पे अनुसंधान कर सके, मछलियों पे रिसर्च कर सके। तो सरकार ने इस सारी योजनाओं को एक जगह जो है दिया है। अब जो लगता है बिहार में इस विद्यालय का जो है, उस महाविद्यालय का विकास होने से कोई नहीं रोक सकता है। तो अब देखिए वहाँ की क्या स्थिति है, सरकार ने क्या कितनी अच्छी व्यवस्था की है, तैयारी की है। लेकिन एक जो और वीडियो तो देख ही लीजिएगा आप, लेकिन एक और जो बड़ी बात बता दें आपको, उस क्षेत्र में जो वहाँ का जो क्षेत्र है झंझारपुर, कमला नदी के किनारे पड़ता है, तो अभी बाढ़ में की स्थिति बनी हुई है, नदियाँ उफान पर है। तो ऐसे में बिहार सरकार ने उस महाविद्यालय परिसर को एक डमी के रूप में भी तैयार किया है, ताकि आप वहां जाकर के विजिट कर सकते हैं, और वहां जाकर के जो है कैसे आप बाढ़ में किस तरह से अपना सब कुछ तैयारी करेंगे, बाढ़ से बचने के लिए तैयारी करेंगे, खुद कैसे आत्मनिर्भर बन करके आप बाढ़ से बचने की तैयारी करेंगे, इसके लिए आप वहाँ जा करके बाकायदा ट्रेनिंग ले सकते हैं। बाढ़ कैसी होती है आप वहाँ जा करके देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं क्या है इस वीडियो में, पहले आप वहाँ का जो स्पॉट है, लाइव स्पॉट, वो देख लीजिए। खबरें आप भारत लाइव पर देख रहे हैं। आप भी अगर वहाँ के करीबी हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, मास्क लगाते हुए आप भी वहाँ पहुँच जाइए, और आप भी जो है सरकार की इन सुविधाओं का, इन विकास कर्मों का आप भी आनंद लीजिए। तो खबरें जो है आप भारत लाइव पर देख रहे हैं। लगातार खबरों के लिए और बिना मिलावट की खबरों के लिए लगातार देखते रहिए भारत लाइव। तब तक के लिए नमस्कार। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।